ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे कि हमारे पास जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो उसके नंबर ऑफ स्टेप या आपका एक मॉडल होता है जो फॉलो किया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है? देखिए, आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन जब बनाने जा रहे होते हैं, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर वेबसाइट हो, ठीक है, चाहे वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, या चाहे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो, इन तीनों तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए या इन तीनों तरह की एप्लीकेशन को बनाने के लिए कुछ नंबर ऑफ मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। कौन से क्लियर है बेटा? देखें, एक छोटी सी डिश भी बनती है तो उसकी रेसिपी होती है। क्या होती है? रेसिपी होती है। इसी तरह से जब आपका कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी एक रेसिपी होती है या उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सही है जी? चाहे वो आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे वो डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, या आप उसको टेस्ट कर रहे हो, एवरीथिंग। सही है? तो सारे सॉफ्टवेयर्स का जो बेसिक मॉडल है, बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल, वो SDLC कहलाता है। क्या कहलाता है? SDLC, जिसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसको क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो बेटा देखें, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रिक्वायरमेंट, यानी आप जिस बंदे का सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे उसको सबसे पहले कहेंगे आप अपना मुझे क्या दें? SRS दें। क्या दें? SRS। अब इसका मकसद क्या होता है बेटा? SRS कहा जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, जो आपको अभी फाइल एज MS वर्ड में रिसीव हुई है ना, कि आपको क्या क्या बनाना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, किस तरह का उसमें जो है वो समझ लें सॉफ्टवेयर की सपोर्ट होगी, हार्डवेयर की सपोर्ट होगी। तो जैसे देखें, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट असाइन है, आप इसको डाउनलोड करते हैं, ये वाली फाइल, इसको SRS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SRS, ठीक है जी। आयोनिक के नाम से आपके पास ये एक जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो आपको डिजाइन करनी है। अभी तो आप सिर्फ डिजाइन करेंगे, लेकिन जब भी किसी तरह का बंदा जो सारी चीजें जानता है, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, तो उन तरह के बंदों को एक कंप्लीट SRS मिलती है। क्या मिलती है? कंप्लीट SRS, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखें, आपको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अलावा फिर मिलती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर ये आप देखें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ रही है कि ये रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। कौन से क्लियर हो गया बेटा? सही है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? रिक्वायरमेंट। देखिए, अभी आपने कुछ बनाया नहीं, बनाया ना, आपको क्या मिला है? अभी एक SRS मिला है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मिली है, कि आप जो भी डिजाइन या डेवलप करने जा रहे हैं वो इन तरह की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके बनाएंगे। कौन सा क्लियर है बेटा? देखें, आप एक किसी भी टेलर के पास जाते हैं अपना सूट बनवाने, तो आप उसको जाके अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं ना कि मुझे किस तरह की डिजाइन या किस तरह का वो जोड़ा या सूट बनवाना है। तो इसे समझ ले, उस बंदे के लिए पहली चीज क्या है? रिक्वायरमेंट। कौन से क्लियर है बेटा? सही है। इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब इतनी सारी एप्लीकेशन है, तो जाहिर है उनका भी तो एक स्टेप्स होंगे, उसके कुछ तरीके होंगे ना बेटा। तो यहां पे भी यही है, सबसे पहली चीज क्या होती है? रिक्वायरमेंट। फिर उसी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है या एनालाइज किया जाता है। तो यहां पे आके सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है एनालिसिस। क्या होता है? एनालिसिस, कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट मिल गई, अब आपको एनालिसिस करनी है। देखें, एनालिसिस का मकसद क्या है बेटा? देखें, आप जिस टेलर के पास गए तो उसके पास जाहिर है वो शायद उस तरह की डिजाइन वो ना बना पाए, पॉसिबल है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि जो डिजाइन आप चाह रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर है वो ना मिले। कौन से क्लियर है? इसी तरह से जब आपका कोई सॉफ्टवेयर आप बनवाने जा रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी स्पेसिफिक जो है लोकल बंदे के पास, कि मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी मैं जो वेबसाइट चाहिए, मेरा एक फॉर एग्जांपल मेरा एक मार्ट है, ई शॉप है, बार्बर का समझ ले हमारे पास क्या है, एक शॉप है, या किसी भी तरह का शॉप हो सकता है ना, जिसके लिए वेबसाइट्स बनवाते हैं लोग,
तो वो आपके पास आएगा और आपको आके रिक्वायरमेंट बताएगा, यार मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए जिसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप बींग अ डिज़ाइनर, आर्ट डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप क्या करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को लेके आप एनालाइज करेंगे, क्या ये चीज़ पॉसिबल है या क्या ये चीज़ मुझे आती है, सही है, या इस चीज़ को बनाने के लिए जो टूल्स एंड टिप्स या जो चीज़ें रिक्वायर है वो मेरे पास हैं, अवेलेबल है, नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका हार्डवेयर नहीं मिल रहा होता, जैसे अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके साथ सेंसर्स का भी काम हो, तो बहुत सारे ऐसे सेंसर हैं जो पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी यहाँ नहीं मिलती, तो वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के थ्रू वो बुलाई जाती है चीज़। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद एनालिसिस जब हो जाती है तो फिर आप डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू कर लेते हैं। अभी आपको सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, अगर आपके हिसाब से सोचा जाए तो आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग ही करनी है, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। यानी 3 स्टेप SDLC के 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे और आपका जो अभी प्रोजेक्ट आपको मिला है वो वाइंड अप हो जाएगा। कौन सा क्लियर? रिक्वायरमेंट मिल गई, आपको एनालिसिस करनी है कि क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर है और उसकी के हिसाब से फिर आपने क्या करना है, डिजाइन कर देना, दैट्स इट। कौन सा क्लियर है? अब अगर अभी आप सिर्फ वेबसाइट की डिजाइन देख रहे हैं तो आप ये कर देते हो, वरना ये होता है कि जब आपकी कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बन रही होती है जिसका बैकएंड भी बन रहा होता है, तो यहाँ पे डिजाइन करने के लिए ना डिजाइनर्स होते हैं या वेब डिजाइनर्स होते हैं। अगर वेबसाइट बना रहे हो, क्या होते हैं, वेब डिजाइनर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक वेब डिजाइनर होता है जो वेबसाइट को डिजाइन करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब यहां पे अगर कोई और एप्लीकेशन या कंप्लीट एप्लीकेशन होती तो यहां पे वैसे डेटाबेस भी डिजाइन होता है। क्या होता है, डेटाबेस भी डिजाइन होता है। अगर आप, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि वेबसाइट की डिजाइन के साथ साथ हम डेटाबेस भी डिजाइन कर लेते हैं, कौन सा क्लियर है, इसको ERD कहा जाता है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सॉफ्टवेयर का फ्लो क्या है, वो चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, उसमें किस तरह का डेटा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है, ये आपके लिए नहीं है लेकिन जो बच्चे एडवांस होंगे या जो एज अ डिजाइन और बैकएंड दोनों पे काम करेंगे उनके लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे वेबसाइट की डिजाइन के साथ साथ क्या होता है बेटा, आपका डेटाबेस भी डिजाइन होता है, जो आपको नहीं करना क्योंकि आपने डेटाबेस नहीं पढ़े ना अभी तक। सही है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपने वेबसाइट को डिजाइन कर देना है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? वैसे मैं मॉडल के हिसाब से समझाऊं तो डेटाबेस भी डिजाइन हो सकता है इस स्टेप में या इस फेस में। उसके बाद होती है इम्प्लीमेंटेशन। क्या होती है बेटा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है कोडिंग को या बैकएंड को, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग कह दो या बैकएंड कह दो, बात एक ही है। सही है जी? तो यहां पे जो काम शुरू होता है ना, वेब डेवलपर का काम शुरू होता है अगर वो वेबसाइट बना रहा है। उनसे क्लियर है बेटा, या बैकएंड डेवलपर कह दो उसको, ठीक हो गया? तो यहां तक आप वेबसाइट डिजाइन करके सॉफ्टवेयर हाउस के अगर अंदर आप होते हैं ना, रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसकी एनालिसिस करके क्या कर देते, पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके दे देते, फिर बैकएंड डेवलपर जाने और उसका ये डिजाइन जो आपने बना के दिया वो जाने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है आपके पास टेस्टिंग। क्या होती है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद फिर टेस्टिंग होती है उसकी। क्या होती है, टेस्टिंग होती है, और इस टेस्टिंग को करने के लिए भी इन सॉफ्टवेयर हाउसेस वालों के पास SQA टीम होती है, जिसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है जी, इनकी एक टीम होती है, या एक SQA का बंदा भी हो सकता है क्योंकि इसको ज्यादा काम नहीं होता, फिर वो बेचारे को कॉल सेंटर की तरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। जाहिर है एक सॉफ्टवेयर जब तक बनेगा, अब वो 1-2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर, जाहिर है डेली तो सॉफ्टवेयर नहीं बनने होते ना, अगर छोटा कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, सही है, जिसमें 15-20 डेवलपर बैठे हुए हैं,
तो उसमें जाहिर है एक दो एप्लीकेशन ही बन रही होंगी, वो एक दो घंटे में निपटा रहा होगा उसकी टेस्टिंग, फिर वो फ्री बैठा होता है। कौन से क्लियर है? तो उससे फिर बाकी काम करवा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक टेस्टर का काम होता है या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे का काम होता है जो टेस्टिंग कर रहा होता है। यानी सॉफ्टवेयर जब डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे ना कि सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा। सही है, और टेस्टिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अलग होती है उसका आउटर लुक अलग, क्योंकि तीन चार तरह की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और उसके अलावा यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। कौन सा क्लियर है? इन फ्यूचर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होती है बेटा डिप्लॉयमेंट। क्या होती है? डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट किसको कहते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर बनने के बाद देना होता है ना, डिप्लॉय करना होता है। अगर वो वेबसाइट है तो आप होस्टिंग करवाते हैं उसकी। क्या करवाते हैं? होस्टिंग, यानी बनाने के बाद उसको इंस्टॉल करना, यूज करना, है ना। तो आपके पास क्या है? अगर वेबसाइट है तो आप उसको होस्टिंग करवाते हैं, होस्टिंग को डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। कि सॉफ्टवेयर बन चुका है, आप उसको क्या करना है? डिप्लॉय करना है। सही है। अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, लाइक अगर आपने देखा हो जो हमारे मार्ट वगैरह होते हैं, इनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो वहां पे जाके इंस्टॉल करके चला के दिखाना पड़ता है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, अभी इंस्टॉल करके आपको दे दिया, आप चेक कर सकते हो। कौन सा क्लियर हो गया? या उनको चेक करके डिप्लॉय करके दे देना, ये आपकी डिप्लॉयमेंट कहलाता है। उसके बाद होती है मेंटेनेंस। क्या होती है उसके बाद? अब मेंटेनेंस देखें, आप एक बार गाड़ी लेते हो तो उसकी मेंटेनेंस तो हो रही होती है ना बेटा। तो सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि ये फाइनल सॉफ्टवेयर है, उसमें भी काम होता रहता है, ऐसा ही है ना। तो सॉफ्टवेयर एक बार नहीं बनता, उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस जो है वो होती रहती है। ठीक है जी। अच्छा, मेंटेनेंस के हिसाब से एग्रीमेंट हो कि जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ले रहे थे, फॉर एग्जांपल आप एज अ सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे हैं, मैं एज अ यूजर हूं, आपके पास आऊं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, लेकिन अब जब आप बना के देंगे और कल को मुझे कुछ चेंजेस करवाने होंगे तो मैं उसके लिए आपको पैसे नहीं दूंगा 1 साल तक। कौन सा क्लियर हो गया? तो ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनवाने आए हैं उसमें अगर आपको कल को चेंजेस करवाने हो तो हम 1 साल तक आपको फ्री में चेंजेस करके देंगे या नहीं करके देंगे, या अगर चेंजेस करके देंगे तो उसके हम अलग से आपसे पैसे लेंगे। कौन सा क्लियर हो गया? ये सारी चीजें जब आप रिक्वायरमेंट बंदे से ले रहे होते हैं उसी टाइम पे एग्रीमेंट होता है, और फिर ये मेंटेनेंस भी डिसाइड होती है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या हम आपके साथ कोऑपरेट करें या आपके साथ हम जो है बात करें तो क्या आप वो चेंजेस कर देंगे। क्यों होता है ना, एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद फिर कुछ चीजें आ जाती हैं जो आप चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा जी, मेंटेनेंस की बात भी हो गई। इस तरह से आपकी तकरीबन चीजें एग्रीमेंट्स की बेसिस पे होती हैं, अगर कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो। सही है। जैसे सन माइक्रो सिस्टम, जावा सुना है ना, इनको एक सॉफ्टवेयर हाउस सॉफ्टवेयर मिला था या एक प्रोडक्ट मिली थी जिसपे उनको काम करना था। तो 2010 में जावा की सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा बनाया था, वो जेम्स गोस्लिंग की थी, उस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर टाइम पे नहीं बनाया था। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट पे जो हुई थी एग्रीमेंट कि मैं आपको 1 साल या 2 साल में प्रोजेक्ट बनवा के दे दूंगा, सन माइक्रो सिस्टम को वो काम मिला था, उस कंपनी ने वो टाइम पे काम पूरा नहीं किया, तो इस वजह से पूरी की पूरी कंपनी भेजनी पड़ गई थी ओरेकल 2010 में। सही है। अब आपकी सन माइक्रो सिस्टम कंपनी किसकी है? ओरेकल वालों की है। यानी जावा जो है, जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था, जावा भेज दिया गया था किसको? ओरेकल को, क्योंकि उन लोगों ने टाइम पे काम नहीं किया था। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी पेनल्टीज भी लगती हैं बेटा, ये सुन लें। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर उठा लो फिर उनका भी टाइम ज़ाया करो और अपना भी टाइम ज़ाया करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने एग्रीमेंट की हुई। ठीक है जी। तो इस तरह से एसडीएलसी काम करता है।